हा आहे नागपूरचा कार्तिक जयस्वाल. कार्तिक पुशअप्स करतोय. आता तुम्ही म्हणाल की यात काय विशेष, तर विशेष हे की या 21 वर्षीय तरुणाने एका तासात सर्वाधिक पुशअप्स मारण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडलाय. कार्तिकने एका तासात 3331 पुशअप्स मारून नवा जागतिक कीर्तिमान प्रस्थापित केलाय. अब तक सिर्फ चार ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो तोड़ पाई है इस रिकॉर्ड को. पहली कंट्री है अमेरिका, दूसरी कंपनी रशिया, तीसरी नेदरलैंड और है फिर चाइना, पांचवा इंडिया है. आज ये रिकॉर्ड तोड़ा है और अभी गिनीज का नाम दर्ज करेगा मेरा. इसके पहले कितने का रिकॉर्ड था, आज आपने कितना रिकॉर्ड बनाया और कैसे इसे हासिल किया है ये बताइए. मतलब इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सिलिका है, उसने रिकॉर्ड बनाया था. उसका रिकॉर्ड था 3,382 पुशअप. आज मेरा रिकॉर्ड बना है 3331. मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मतलब मैं गिन नहीं रहा था पुशअप कितने पुशअप हुए कितने. मैं उसको स्कोर कितना हुआ, स्कोर कितना हुआ, स्कोर कितना हुआ, पूछ ही रहा था. बट मेरा फोकस ये था कि बस एक घंटे में ये रिकॉर्ड टूट जाए. लेकिन आज ये जो पुशअप का रिकॉर्ड है ये 3381 का बन गया, मुझे पता भी नहीं चला. तो बड़ी बड़ी खुशी हो रही है और आप लोग आए वो बहुत बहुत खुशी हो रही है. मुझे बहुत मजा आया और थोड़ा बहुत इंजुरी भी हुई है मेरे हाथों में, दोनों हाथों में इंजुरी हुई है. आज इसको ये हाथ पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है. कार्तिक जयस्वाल हा MMA फाइटर भारत आणि एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड होल्डर फिटनेस प्लेयर आहे. एका तासात सर्वात जास्त पुशअप्स मारण्याचा रेकॉर्ड तोडण्यासाठी कार्तिकनं गेल्या 5 वर्षांपासून खूप मेहनत केली. तो रोजच 6 तासांपेक्षा अधिक वेळ सातत्यानं सराव करायचा. तर यापूर्वी हा विश्वविक्रम ऑस्ट्रेलियन खेळाडू डेनियल स्कॉलीच्या नावावर होता. तर कार्तिकने डेनियलचा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणा केली होती. तेव्हा डेनियलने हा रेकॉर्ड कुणीही मोडू शकणार नाही असे आवाहन दिले होते. तर कार्तिकने हे आवाहन स्वीकारले आणि आपले जिद्द आणि पराक्रमाच्या जोरावर एका तासात 3331 पुशअप्स मारून नवा रेकॉर्ड बनविला आहे. अपना बिलीव किया, मैं सोचा कि इस रिकॉर्ड के लिए मतलब किस तरह तैयारी कर सकती. फिर मैंने अपने कोच रवि मेंडे सर को पूछा, युगान सर को पूछा, मतलब बहुत सारे लोगों को पूछा इस रिकॉर्ड के बारे में. तो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत हार्ड था. बहुत हार्ड लिखा ना, मैं जब पुशअप कर रहा था मेरे हाथ पूरे स्टक हो गए थे. पूरे आधे घंटे बाद मैं पुशअप हो ही नहीं रहा था. लेकिन वो बोलते ना कि अंदर से एनर्जी होती है करने की, तो मैंने उसको फास्ट करने की कोशिश की. बहुत फास्ट करने की कोशिश की तब जाके रिकॉर्ड हासिल हो पाया. और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की मैंने. कम से कम दिन में कम से 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करता था मैं. जिम, कार्डियो वर्कआउट, सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करना और फिर उसके बाद कम से 6 से 7 घंटे वर्कआउट करना. ये सब मतलब हर एक पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज की ध्यान रखता था. मम्मी पापा दोनों सब चीज का ध्यान रखते थे. मेरी सिस्टर हिमानी भी छोटी चीज का मतलब खाने का मतलब मम्मी एकदम बोलते बेटा ये अंडे का, बेटा चिकन का, बेटा स्प्राउट्स ले, बेटा प्रोटीन पाउडर ले. मतलब इतना सारा मैं अपने डाइट ये किया मैंने और तब जाके ये अचीव हो पाया है. एका तासात 3331 पुशअप्स मारणे हे काही सोपे नाही. कार्तिकने साध्य केलेले हे लक्ष्य फार कठीण मानले जाते. याकरिता कार्तिकने गेल्या 2 वर्षांपासून जिम मध्ये विशेष प्रशिक्षण घेतले होते. रोज किमान 1 तास तो योगा करायचा आणि किमान 6 तास जिम मध्ये ट्रेनिंग घ्यायचा. कार्तिकचा हा विश्वविक्रम युवकांसाठी नक्कीच आदर्श आहे. आणि सोबतच कार्तिकने आपल्या या वर्ल्ड रेकॉर्ड मुळे नागपूरचे नाव नक्कीच जगापुढे आणले आहे. नागपूरहून सुरभी शिरपूरकर, लोकमत.